बकरे के पास गए और वो बकरे पर गिर गए। अपना बकरा कैसा था? फिर वो सीधा रोड पर। बेचारे कैसे चिल्लाए थे। चलिए बहुत रात हो गई, हमें सुबह उठना है। अवा भाई लेफ्ट से जाइए। नहीं मैं रश करूँगा भाई, मैंने हेड मारा है और ये आखिरी खत्म। ये हम जीत गए। सऊद सऊद उठिए, सऊद जल्दी उठिए, स्कूल का वक्त हो गया है। सऊद उठे वरना स्कूल को लेट हो जाओगे। भाई सऊद भाई नहीं आए, वो आज फिर स्कूल को लेट हो जाएंगे। मेरा बैग। मैं आज फिर लेट हो गया। आज मैं फिर लेट हो गया था भाई, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। तो आज कब ऑनलाइन आऊंगे? अब्बू के सोने के बाद ही मुझे उनका फोन मिलेगा। तो ठीक है, हम ऑनलाइन आते ही मैसेज करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सऊद आज आप फिर लेट हो गए, कहीं आप रात में जाग तो नहीं रहे? भाई पता नहीं क्यों मेरी आँख नहीं खुली। सच सच बताओ सऊद, ना आपने फजर की नमाज पढ़ी, ना नाश्ता किया और स्कूल को भी लेट हो गए। भाई कल से हम जल्दी उठेंगे। हेडशॉट देखा? मेडकिट, मुझे मेडकिट चाहिए। सऊद भाई क्या कर रहे हो आप? भाई मैं थोड़ा गेम। क्या वक्त हो रहा है? ये कोई गेम खेलने का वक्त है? तो इसलिए आप सुबह नहीं उठ रहे हो? क्या आपने अब्बू से इजाज़त ली है उनका फोन यूज करने की? नहीं भाई, मैं बस थोड़ी देर खेल रहा था। अब्बू को जब पता चलेगा तो फिर? भाई प्लीज अब्बू से मत कहिए, मैं दोबारा बिना इजाज़त फोन नहीं लूँगा। क्या आपको पता नहीं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज पढ़कर फौरन सो जाया करते थे? आपके थोड़े से मजे के लिए आपका कितना नुकसान हो रहा है। पहले ज्यादा जागने से आपकी सेहत पर असर होगा और फिर सुबह जल्दी ना उठने से आपकी फजर की नमाज नहीं होगी। और तो और आप स्कूल के लिए भी लेट हो जाओगे और आप ये फजूल गेम खेलकर वक्त जाया कर रहे हो। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमें चाहिए कि जल्दी सो जाए और जल्दी उठे, नमाज पढ़े और वक्त पर स्कूल पहुँचे। और हाँ ऐसे गेम्स हरगिज ना खेले। जी भाई अब से मैं जल्दी सो जाऊँगा और सुबह जल्दी उठूँगा इंशाल्लाह। हमारे एग्जाम में सिर्फ एक महीना रह गया है, क्या आप लोग रेडी हो एग्जाम के लिए? हाँ मेरी तो 80% पढ़ाई भी हो गई है। और सऊद आपकी पढ़ाई हुई? अभी तो पूरा एक महीना है, 15 दिन में तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूँगा। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो, ये तो वक्त ही बताएगा। ये मैं जीत गया। भाई गेम खेल का वक्त जाया मत करो, आपके एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा है। आप टेंशन मत लो भाई, मुझे 15 दिन ही काफी है। अरे सुनो जरा, अवाब भाई, अवाब भाई, अवाब भाई। अरे क्या हुआ सऊद, क्यों शोर मचा रहे हो? अवाब भाई जल्दी चलिए खेलने के लिए। नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। अरे चलो ना, बाद में कर लेना पढ़ाई। अरे भाई वक्त की अहमियत को समझो। अच्छा तो तुम नहीं आना चाहते, ठीक है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, सऊद खेलने के लिए बुला रहे थे। ओहो एग्जाम सर पर है और सऊद भाई को खेलने की पड़ी है। आप दूर ही रहो सऊद भाई से, वो तो फेल होंगे ही और आपको भी फेल करवा देंगे। हाँ
शायद ये सऊद की शरारत है। पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? छोड़ो मेरा हाथ। हाँ? इस बार बच गया सऊद, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई खेलते हैं। तुम फिर आ गए? अरे भाई पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। अरे भाई क्या हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई? भाई वक्त की अहमियत को समझो। रुके, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उठो भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सर पर लगी है, मैं सऊद को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, बदला लेना अच्छी बात नहीं, मैं समझाता हूँ उन्हें। समझा सऊद को, इस हरकत से वो भी फेल होंगे और मैं भी। रुको सऊद भाई। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा वक्त तो खेलने में बर्बाद कर दिया, अब तो ऐसा ही होगा। पहले एग्जाम दे दो फिर बात करेंगे। मुझे 80 मार्क्स मिले। माशाल्लाह, मुझे भी 82 मार्क्स मिले हैं। माशाल्लाह, और सऊद का रिजल्ट क्या आया? बड़ी शरारत करते हैं ना वो। अरे वो रहे सऊद भाई, मैं फेल हो गया हूँ, अब घर पर क्या बोलूँगा। क्या हुआ हीरो, सूरत की उतरी हुई है, फेल हो गए क्या? जाओ हर खेलो और मस्तियाँ करो। क्या हुआ भाई, मैं फेल हो गया हूँ। देख लिया, वक्त को बर्बाद करने का अंजाम, अब रोना बंद करो। अब मैं क्या करूँ, अब्बू से क्या कहूँगा? वक्त बहुत कीमती चीज है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त जाया करने से मना किया है, इसीलिए अब ना उम्मीद ना हो और अगली बार खूब मेहनत करके फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ठीक है? जी साद भाई, अब से मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। माशाल्लाह, अब जल्दी जल्दी अगले टेस्ट की पढ़ाई करो। जी भाई।